ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੰਦਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਨੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਵਲੋਗ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ। ਮੰਮੀ ਕਨੇਡਾ ਗਏ ਹੋਏ ਥੇ, ਉਨਕੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਸਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਥੇ, ਔਰ ਵੋ ਅਬ ਆ ਰਹੇ ਹੈਂ ਵਾਪਿਸ, ਤੋ ਉਨਕੋ ਲੇਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਬਾਕੀ ਹਮ ਬਾਤ ਰਾਸਤੇ ਮੇਂ ਕਰੇਂਗੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿਖਾਏਂਗੇ ਆਪਕੋ ਦਿੱਲੀ ਕਾ। ਬਾਕੀ ਵੈਸੇ ਤੋ ਬਾਤੇਂ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਹੈਂ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਾ ਹੋਗਾ, ਔਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਂ ਜੋ ਬਤਾਏਂਗੇ। ये 5 मिनट में रेडी होने वाली मैम है ना? 5 मिनट में होती नहीं, पर हो जाती हूँ। हाँ जी, तो आप ऐसा सीखा निकल चुके सी अपना दिल्ली लई। फर्स्ट टाइम मैं यूज़ की बला बला कैब, तो बला बला कैब इस मैं सवारी मिल गई है। चलो भी जाते जाते तो खर्चा निकल जाता है, ऐसी होती है। यह साड़ी सफारी है आंटी जी, तो हम आप चल निकल गए। एक सवारी सानू होर मिल, एक सवारी साड़ी वेट करती पी है बस स्टैंड के कोल खलो के, तो अपना को पहुँचते हैं, तो फिर अगे का सफर तय करते हैं। किसान एकता जिंदाबाद, देखते हैं बीच लंगर केड़ा मिलता अज, तो जरूर छकांगे। आप हम पहुँच चुके हैं मन्नत हवेली। एस एम पी की गड्डी बह गए ने गगन जी। धुप कह रही मैं ही मैं भाई साहब, बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी है। जी आप पहुँच गए दिल्ली अपने घर, तो हम बस वेट है 8:30 बजे की भी, कद 8:30 बजे एयरपोर्ट दे ले निकली है। हम बस चाह आ रही है, चाह पियाँगे चेयर्स करके, तुम भी सारे पी लो। शाम का बिल है 6:30 बजे ने, तो मिलने थोड़ी देर तक गड्डी जो एयरपोर्ट जा रहे होवे। हाँ जी, तो आप रास्ते चाहे एयरपोर्ट जा रहे हैं मम्मी जी को लैन ले। मम्मी जी की फ्लाइट लैंड हो चुकी है और हम अभी रास्ते में ही हैं। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बोर्डिंग होगा, सब कुछ होगा, अभी पहुंचने में टाइम लग जाएगा। अभी हमारे पहुंचने 20 मिनट है, अभी हम 20 मिनट लग जाएंगे पहुंचने में। अलग चिकन टिक्का खाया है तो हुन परफ्यूम छिड़किया जा रहा है। हां भाई, किसी ने कानो कान खबर ना हो तो चिकन टिक्का रोल खाता गया। सानू इतनी भूख लगी हुई थी, मैं आपा वीडियो भी नहीं बना पाए, आपा चिकन टिक्का रोल दी मैं वीडियो बना दा ना, वो भी नहीं रहा। भूख ही नहीं लगती पई थी, रुकिया नहीं गया मेरे तो। पर स्वाद बहुत सीगा, बहुत स्वाद। कई बार ना बीच में चक मारता सी ना, ते प्याज भी और पीस में ना क्रच ही आया थी बीच में, थोड़ा सा ना हड्डी का पीस आया था। क्रच उससे एयरपोर्ट पे आपको मिलाते हैं मम्मी से। सत श्रीकाल। सत श्रीकाल जी, हाँ जी, कहता सी मम्मी साढ़े पहुंच गए सी, हमें पीछे बैठे हुए ने, ते हुनी हुनी जस्ट पिक ही किया मम्मी नू आपा ने, काफी देर लग गई सानू, कदी उत्ते कदी थल्ले, बस सांसा हो गया, बोतल खत्म हो गई। देखो थोड़ी पानी वाली लास्ट, देख के कुट सब नू मिले ने भाई साहब, उम्मीदा पानी दे स्वास थक गए मम्मी बहुत ज्यादा। मम्मी तुहानू जट लग ते नहीं हो रहा है?
घर जाके पता लगेगा। तो कैसा लग रहा है आपको इंडिया में दोबारा वापस आ गए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। आजाद हो मम्मी, और तक कुछ मम्मी कनाडा गए, मम्मी कनाडा गए तो थोड़ा मम्मी की किस्मत खराब थी, वहाँ लॉकडाउन लग गया और जब से गए तब से लॉकडाउन, अब तक लॉकडाउन। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मम्मी इधर उधर हुए, भाई ने घुमाया काफी मम्मी को, कभी इस जगह कभी उस जगह। मम्मी ऑटवा घूम के आए, ऑटवा घूम के आए, मॉन्ट्रियल घूम के आए, बाकी चार जगह गई हैं। मॉन्ट्रियल में तीन चार जगह हो गए हैं। लवाल तो भी अगे तनी केड़ी जगह है, गई है, उससे भी गई सी। कितने कितने गए दसो जी? मेनू ना नहीं हुई याद, मम्मी नु ना नहीं याद जी, पर मम्मी घूम के आए ने। ठीक है ना जी, हॉर्न मारना लाउड नहीं होता, और इधर हॉर्न तो बिना गाली नहीं बनती, उधर हॉर्न को गाली माना जाता है, अगर जे हॉर्न मार रहा है तो कोई गाली दे रहा है। तो इंडिया में तेरी तो इसी साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। होप श्योर आप सबको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, like वीडियो करना, को लाइक करना और प्रेस द बेल आइकन। यस बाय। चलो क्या जो आपकी चलो।